मंगलवार को कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मुरादाबाद के कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की और कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही कुछ सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव के लिए लगभग 20 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें मुझे मुरादाबाद की जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस गुणवत्ता के साथ काम कर रही है और पात्रों को सरकार की योजना का लाभ दिलाया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था से लेकर शिक्षा तक जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, उन कामों को हम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुरादाबाद में तैयारी को बेहतर तरीके से किया जा रहा है और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है। आने वाले नतीजे भी काफी चौंकाने वाले हैं। हमारी सरकार काम पर विश्वास रखती है और काम कर रही है। हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है, जनता को सुरक्षा दी जा रही है और गुंडे बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। उपचुनाव में एनडीए की पूरी तैयारी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन होने वाला है। 10 सीटें हम कैसे जीते इस बात को लेकर पूरी तैयारी हम लोग जमीन पर उतर कर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 लोगों की एक टीम भी बनाई है, उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर को प्रभारी बनाया, उनके साथ में 2 या 3 सहयोगी मंत्री भी लगाए हैं। मेरी भी ड्यूटी वहाँ मीरापुर विधानसभा में एज ए प्रभारी लगी है और हम लोग जो हैं आज प्रभारी भी नियुक्त जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मुरादाबाद का किया है। उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं आज यहाँ मुरादाबाद के लोगों के बीच में आया हूँ और आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से मुरादाबाद जनपद के लिए जो विकास की बात है, जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हों चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हों, उनको कैसे ज़मीन पर उतारें, उन सब बातों पर हम लोग काम करेंगे। समय समय पर बीच में आते रहेंगे और कैसे मुरादाबाद को आगे बढ़ा सकते हैं इसके लिए हम लोग काम करेंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, ये अच्छा है। अगर एक देश एक चुनाव हो तो इससे बड़े काम देश में नहीं हो सकता। चुनाव में बार बार जनता का भी काम जो है प्रभावित होता है, समय लगता है, पैसा खर्च होता है। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो कम से कम जो है जो संस्थाएं हैं, जो हमारी चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे विधायिका हो, चाहे प्रधान हो या जिला पंचायत हो या एमपी हो, वो 5 साल के लिए कम से कम स्वतंत्र होकर काम कर सकेंगे। ये बड़ी बात। क्या समीकरण आरएलडी लड़ेगी बीजेपी? कुंदरकी का समीकरण ये है कि हम लोग सीट जीतेंगे। टिकट किसको मिले? आरएलडी टिकट देना वो हाईकमान का नेतृत्व काम है। हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने रामपुर भी जीती है, जिसे समाजवादी पार्टी ये कहती थी कि हमारी परंपरागत सीट है। हमने आजमगढ़ भी जीती है। उसी तरीके से सर्व समाज का सहयोग लेकर कुंदर की छोटो और उसके अलावा जो 9 सीटें सब जीते हैं। आरएलडी के क्या प्रयास है, उन्हें सीट मिले? आरएलडी का प्रयास ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग एनडी के प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी को का जो प्रत्याशी लड़ेगा वो मीरापुर लड़ेगा, वो हमारी वहीं पर हमारी पार्टी का एमएलए भी था राष्ट्रीय लोकदल का, और वहाँ आरएलडी का ही प्रत्याशी लड़ेगा। बाकी सीटों पर जैसे भी दोनों पार्टी का नेतृत्व तय करेगा उसी हिसाब से काम करेंगे।